लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जर्नल हॉस्पिटल प्राइवेट व जर्नल वार्ड एवं एम्बुलेंस सुविधा प्रत्येक शुक्रवार शनिवार व रविवार को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। हमारा पता है विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तेराहा देवरी। निसर्ग चक्रवर्ती तूफान के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में तूफान आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में सरकार द्वारा खरीदा गेहूं चना भीग गया है, जिसमें किसानों के साथ सरकार को भी भारी नुकसानी हुई है। कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों की हैं, जहां एक दिन पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे अनाज खुला पड़ा था। यह लापरवाही आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद फिर अचानक बारिश हुई और अनाज भीग गया। परिवहन के साथ अन्य लापरवाही से सरकार को काफी घाटा हुआ है, जबकि किसान लाइन में लगे रहे, उनका अनाज भी भीग गया। अधिकारियों के निर्देश थे कि बारदाना न होने से किसानों का अनाज न खरीदा जाए, साथ ही मौसम को लेकर भी उन्होंने खरीदी बंद करने के निर्देश जारी किए थे। बोला हम 5-6 दिन हो गए गल्ला लेके आए थे, खुल गया हमारा, कंप्लीट हो गया, चढ़ भी गया है। आप कब लाए थे झाड़? परसों की शनिवार। तो फिर तोल का नहीं हो पाई अभी तक? बारदाना नहीं है। तो अधिकारियों ने कहा बोली थी कि कब तक ला है? अब ये मौसम की इसे कई उनने के रुक जाता ना, मौसम खराब है तो इसे नहीं करी ना तो। अच्छा, बारदानो ना होवे के कारण है। हाँ, मौसम खराब है। लेकिन व्यापक परिवहन न होने से सरकार को घाटा लग गया और अनाज भीग गया, जबकि समिति प्रबंधक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तुल गया वो सरकार का अनाज है, जो नहीं तुल सका वह किसान का अनाज है। व्यवस्था दुरुस्त थी, लेकिन एक एक पानी आने के कारण नहीं हो पाओ, ढकवाया रात में पूरा हमने। नहीं तो जो नुकसान अबे तो किसानों की पंजीयन पूरा कंप्लीट होगा तो नहीं हो पाओ, तो मतलब चढ़ गए, एंट्री हो गई लोगों का, चल गया था अपना, चढ़ चुका। नहीं तो आपके नजरिए से जो शासन का नुकसान है कि किसानों का? वो तो नुकसान जो किसानों का रखा वो किसानों का है, और जो हमारे यहाँ चढ़ गया वो शासन का है। ऐसे में किसान का अनाज अगर प्रशासन की लापरवाही से भीगा है तो जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं। बहरहाल बुंदेलखंड के सभी जिलों में अनाज भीगने से सरकार को बहुत घाटा हुआ है। दमोह की तस्वीर तो लापरवाही पर लापरवाही उजागर कर रही है। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह।